यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है और पुलिस इन दिनों बदमाशों पर कहर बनकर टूट रही है। कन्नौज में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बदमाश हरबीर कठेरिया कई सालों से फरार चल रहा था। बदमाश ने जनवरी और मार्च में ही लूट की कई घटनाओं को अंजाम दिया। गिरफ्तार बदमाश के पास से एक तमंचा भी बरामद हुआ है और इनके ऊपर 25,000 का इनाम कन्नौज जनपद से घोषित था और ये हमारे यहाँ दो लूट में वांछित था। इनको कल शाम को पुलिस मुठभेड़ के बाद जो है थाना सौरिक की टीम द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके खिलाफ जो 2392 के लूट के मुकदमे थे, एक ये घटना इन्होंने 27-18 को करी थी। सौरिक में श्रीमती वीना यादव से इन्होंने लूटपाट करी थी। इसमें मुकदमा अपराध संख्या 30। उधर शामली में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि कुडाना गांव के जंगल में आधा दर्जन से ज्यादा बदमाश छिपे हुए हैं, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी कर उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी के साथ 2 बदमाश घायल हो गए। पुलिस मौके पर पहुंचते ही पुलिस टीम पर फायरिंग किया गया है और पुलिस की जवाबी फायरिंग पे 2 बदमाश घायल हुए हैं और 2 बदमाश पकड़े भी गए हैं और जो टीमें वहां पे जो कॉमिन में है उनको बताना 2 बदमाश और थे जो आंखों में अपने देखा गया है जो फरार हो। पूरा जनपद की टीमों को इकट्ठा किया गया है, आसपास की जितने भी खेत और आसपास के क्षेत्र में कॉमिंग किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ कर रही है और पुलिस को उम्मीद है कि इन बदमाशों की गिरफ्तारी से अपराध पर कुछ लगाम लगेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कन्नौज से नित्या और शामली से सरफराज अली की रिपोर्ट।